स्टूडेंट, आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं मारवाड़ के एक प्रसिद्ध शासक राव मालदेव सिंह जी के बारे में। ये राव मालदेव सिंह जी जो थे मारवाड़ रियासत के जो जोधपुर में है वहां के शासक थे। इनका जन्म हुआ 1511 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था राव गंगा और इन्हें कई किताबों के अंदर गंगा नाम से भी हमें देखने को मिलता है। इनकी माता जो थी उनका नाम था पद्मा कुमारी देवड़ा चौहान, और ये जो देवड़ा और चौहान दो सरनेम नजर आ रहे हैं इसका हम अगली और किसी वीडियो में अलग से डिस्क्राइब करेंगे, वरना ये वीडियो जो है शॉर्ट की जगह लॉन्ग हो जाएगा। राठौड़ जी के वंश की बात करें तो ये जो राव मालदेव जी थे सरनेम राठौड़ था, मतलब राठौड़ वंश के ये शासक थे। यहाँ 1511 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और मात्र 1532 छोटी सी उम्र में इनको राजगद्दी पर बैठा दिया गया। ये बचपन से ही बड़े शूर और पराक्रमी थे। इनकी विशेषताओं में केवल उन विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है अब तक और पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें तो लगभग 52 युद्धों का ये विजेता इनको इतिहास में कहा जाता है। और इनका जो शासन काल था राजपूत शासकों में, राठौड़ शासकों के अंदर बहुत ही अच्छा रहा, तो इतिहास में इनके शासन काल को मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है। इसके साथ जो हिस्टोरिकल जो थे फारसी जो इतिहासकार थे इन्होंने जो रचनाएं लिखी उन्होंने इन्होंने हशमत वाला शासक था जो राव मालदेव सिंह जी है उनको एक बहुत ही ताकतवर शासक के रूप में प्रदर्शित किया। और इस तरह के शौर्य के वर्णन के साथ साथ इनकी जो जीवन लीला थी 1565 ईस्वी के अंदर केलवा जो कि राजसमंद में है वहां इनका देवासन हो गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।